भोपाल के फेथ क्लब में केबी ने 6 दिवसीय इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट का आयोजन किया है, जिसमें भारत और बांग्लादेश की टीमों ने हिस्सा लिया। इस क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों की टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक वो खिलाड़ी जो पूरी तरह से नेत्रहीन है, दूसरे वो जिन्हें 3 मीटर तक दिखाई देता है, और तीसरे वो जो सिर्फ 6 मीटर तक ही देख पाते हैं। बता दें कि नेत्रहीन खिलाड़ी बॉल के अंदर पड़े छल्लों की आवाज से खेलता है। साथ ही ब्लाइंड क्रिकेट का जायजा लिया संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ने। 24 तारीख से चला हुआ 3 T20 और ये तीसरा ODI चल रहा है। कितने लोग खेल रहे हैं इसमें? 11 प्लेयर है। यहाँ पे 3 कैटेगरी का प्लेयर होता है, B1, B2, B3। B1 जो होता है वो 4 प्लेयर होता है, वो टोटली ब्लाइंड होता है। B2 प्लेयर जो होता है वो 3 होता है, वो थोड़ा ही देख सकते हैं। और B3 प्लेयर जो होता है वो 4 प्लेयर होता है, वो ज़्यादा देख सकते हैं। सामर्थ्य है जो पूरा इनका आवाज़ के ऊपर होता है, जिनकी ये बॉल होती है, इस बॉल के अंदर रिंग होती है, उसकी आवाज़ से खेलते हैं, आवाज़ से ही सारा करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं, B1, B2, B3। B1 100% जिसको दिखने में समस्या होती है वो होता है, B2 का थोड़ा सा विजन होता है 3 मीटर का, इस तरह से B3 होता है। और क्रिकेट में बहुत एक्साइटमेंट है। मैं मानता हूँ नॉर्मल क्रिकेट से 100 टाइम्स ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बट 100 टाइम्स ज़्यादा चैलेंजेज हैं उसके। उन चैलेंज के साथ खेलते हैं ये, और बहुत ज़बरदस्त होता है। और भारत दुनिया में समय ब्लाइंड क्रिकेट का विश्व विजेता है, उसने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार इंडिया टीम 14 ओवर ODI से 466 बना दिया 2 विकेट्स मिला के। बट अभी इसका 4 ओवर का आई थिंक 17 या 19 रन है। हम आराम से, हमारा लोग अच्छा खेलता है, क्योंकि 5 वर्ल्ड कप विनर है इंडिया टीम, नंबर 1 टीम है, इसलिए थोड़ा बहुत फ्रॉड है सर। हम जीता, लास्ट मैच भी जीते।